दोस्तों, आज की डिक्शनरी में मैं बात करूंगी लफ्ज पक्षपात पर। ये एक ऐसा लफ्ज है कि जिसको हम बराबर सुनते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, पढ़ते हैं अखबारों में, खबरों में सुनते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं लफ्ज पक्षपात पर बात करूंगी कि उसको उर्दू और इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, पक्षपात लफ्ज को उर्दू में जानिबदारी, तरफदारी, हिमायत या रियायत, इन अल्फाज से जाना जाता है। अंग्रेजी में जिसे बायस, सपोर्टिंग, सेकेंडिंग, पार्शियलिटी और फेवर कहा जाता है। अगर हिंदी में इसकी और ज्यादा वजाहत करें तो भेदभाव, अनुग्रह या साथ देना, इस तरह के अल्फाज पक्षपात में इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिए, पक्षपात है भेदभाव, अनुग्रह या साथ देना, बायस, सपोर्टिंग, सेकेंडिंग, पार्शियलिटी और फेवर। उर्दू में इसे जानिबदारी, तरफदारी, रियायत या हिमायत कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।